अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज पूरा दिन नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल लिस्ट से निकालने का मामला हुकूमत के लिए एक इशू बना रहा। उनके इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए इस वक्त हुकूमत के लिए जो अहम मसला है वो नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के लिए जो दरख्वास्त वजारत दाखिला को लिखी गई नैब की जानिब से, वजारत दाखिला ने मामला हेल्थ मिनिस्ट्री को भिजवा दिया और वजाहत मांगी कि बताया जाए नवाज शरीफ को कौन सी बीमारी है और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन भी नहीं है। हुकूमत का कहना है कि यह मामला नैब का है, नवाज शरीफ का नाम निकालने की जिम्मेदारी नैब पर है। इस हवाले से नैब का कहना है कि उन्होंने अपने खत में वजारत दाखिला को जो जमा करवाया है उसमें हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री को इख्तियार दे दिया है कि नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकाल सकते हैं, उनको इसका इख्तियार है। अब नैब ने खत में यह भी लिखा कि वफाकी हुकूमत किसी भी शख्स का नाम ईसीएल से निकाल सकती है। नैब के जवाब के बाद मामला अब एक बार फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास वापस चला गया है और इस हवाले से नैब ने नाम निकालने या ना निकालने पर ना ही एतराज किया है और ना ही मंजूरी दी है। अब अगर बजाहिर देखा जाए तो हुकूमत ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नजर नहीं आ रही। हुकूमत ये नहीं चाहती कि उन्हें एनआरओ के ताने सुनना पड़े, इसीलिए शायद जो जिम्मेदारी है वो दूसरे इदारों पर डलती नजर आ रही है जबकि इदारे ये इख्तियार हुकूमत को देते नजर आ रहे हैं। अब इस तमाम मामलात में दूसरी जानिब नवाज शरीफ के जो पर्सनल फिजिशियन है डॉक्टर अदनान, उनका कहना है कि इलाज में जितना डिले किया जाएगा नवाज शरीफ की सेहत को लाख खतरात में इजाफा होता नजर आएगा। और फिर आज भी देखा गया कि नवाज शरीफ साहब की जो रिजर्वेशंस थी, जो बाहर मुल्क जाने की रवानगी मुतवक्के थी, जिसके लिए उन्हें प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स दिए गए थे, लेकिन ईसीएल से नाम ना निकलने के बायस उनकी उनका लंडन डिपार्चर जो है वो दोबारा से जो है कैंसिल हो गया। अब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आज कहा कि नवाज शरीफ का नाम आज ही ईसीएल से निकाल दिया जाएगा। हम पहले सुन लें कि क्या कहा गया था आज नाम निकालने के हवाले से। लेट्स लिसन टू चौधरी सरवर फर्स्ट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। बाद लोग जो हैं हर चीज को सियासत बनाना चाहते हैं, हर चीज को डील का नाम देना चाहते हैं। ये जो फैसला हमने नवाज शरीफ साहब के बारे में किया है, ये तमाम जो हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारा जो मेडिकल बोर्ड है वो कहते हैं कि उनकी सेहत जो है क्रिटिकल है और उन मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में जो है वो नैब ने फैसला किया है। उन मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने फैसला किया है और उन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको इजाज़त देने का फैसला किया। दूसरी जानिब फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि मेरी जाती राय में नवाज शरीफ का बाहर जाना ज्यादती होगी और नवाज शरीफ का नाम निकालने की समरी हुकूमत को मौसूल नहीं हुई है। समरी आएगी तो फैसला फिर फेडरल कैबिनेट करेगी। सुनवा देते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर शो हियर। मेरे से मेरी जाती ओपिनियन पूछेंगे तो बाहर जाना तो बड़ी ज्यादती की बात है। अगर आप इस तरह से नवाज शरीफ साहब बाहर जाएँ और फिर जो है ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर वो यानी इतने मसरूफ़ रहे हैं गरीबों के अस्पताल बनाने के लिए कि अपने लिए अस्पताल नहीं बना सके, तो पहले तो मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पीएमएलएन को इस बात के ऊपर कौम से कि वो एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके। मैं अगर फ्रेंकली नवाज शरीफ साहब की जगह हूँ या पीएमएलएन की जगह हूँ तो मैं तो मर जाना बेहतर महसूस करूँ के बजाय इसके कि ये कहना कि 30 साल इकतदार के बाद मेरा यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। फ्रेंकली अभी तक हमारे पास तो समरी कोई ऐसी नहीं आई है जिसमें उनके ईसीएल से रिमूवल की। अब अगर वो ईसीएल में हैं जो कि उनकी पार्टी कह रही है वो ईसीएल में है तो फिर जाहिर है कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए और अभी तक जो है वो कोई समरी ऐसी आई नहीं है। और जहाँ आज पूरा दिन नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल के से ना निकालने का इशू जो है हाईलाइट होता रहा, वहीं हम आज अपने शो में बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से भी कि अभी तक वो अपनी पोजीशन और मुतालबे पर बदस्तूर कायम नजर आ रहे हैं। उनके मुतालबे में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया है और धरने के शुरका की जो तादाद है उसमें भी कोई खातिर ख्वाह कमी देखने में नजर नहीं आ रही है। लग कुछ यूं रहा है कि हुकूमत मामले में ताखीर करने की जो पॉलिसी है वो शायद कारामद साबित होती नहीं नजर आ रही और जो हुकूमती मुजाकराती टीमें हैं वो भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। चौधरी बिरादरान की मीटिंग्स भी जो है कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाई हैं और अब फजलुर रहमान साहब ने
پلان بی جو ہے اس پر عمل درآمد کے لیے جو اپنی مجلس شورا ہے اس سے مشاورت شروع کر دی ہے، جس میں احتجاج کا دائرہ کار اب کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں بڑھانے کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جے یو آئی ایف اپنے پلان بی کا اعلان کرتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی ان کا ساتھ دیں گی، اور حکومت اس نئی جے یو آئی ایف کی حکمت عملی کا کیسے جو ہے چیلنج کے طور پر سامنا کرتی نظر آئے گی۔ ہم اس کو بھی انڈر ڈسکشن لے کر آئیں گے، بٹ بیفور وی گیٹ سٹارٹڈ ود آر ڈسکشن ہم اپنے آنریبل پینل کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتے چلیں۔ ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں جناب سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب نوید چودھری صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، اور ہمیں ٹیلیفون لنک پر جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اوور دا ویکینڈ ہفتے والے دن جو ایک بڑا ہمیں پروجیکٹ مکمل ہوتا نظر آیا۔ ڈاکٹر رمیش کمار کی لائن ہمارے ساتھ ابھی کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن میں یہی سوال جو ہے پھر شاہین بٹ خالد بٹ صاحب آپ کی جانب لے جاتی ہوں کہ ہم نے ہفتے والے دن یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے ایک سال میں جو کرتارپور پروجیکٹ ہے وہ مکمل کر کے وہ سکھ کمیونٹی کو ایک بڑی سہولت انہوں نے دی، جو ان کے گرو نانک ہیں 550ویں سالگرہ پر ان کو جو ہے ان کی اس پر انہوں نے سکھ کمیونٹی کو جو ہے انوگریشن کر کے دیا کرتارپور پروجیکٹ۔ تو کیا پاکستان کی جانب سے اس اہم پیش رفت کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات میں بھی کسی قسم کی کوئی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی؟ بہت شکریہ نیلم۔ جہاں تک کرتارپور کی بات آپ نے کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بہت شارٹ ٹائم میں اور بڑا ارجنٹلی اس کو انہوں نے پورا تکمیل کے مراحل میں سے گزر کے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کی یقیناً کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اگرچہ یہ بہت بڑا کنسرن تھا تمام کشمیری حضرات کا، جن کے ساتھ ریسنٹلی ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو ہم کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ڈیلے کر سکتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں، اس کا ہونا شاید بہت ضروری ہو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ٹائمنگ آگے پیچھے کر لینا اس لیے کہ ہمارے جو کشمیری ہیں ان کے زخموں پہ تھوڑی سی مرہم رکھی جائے تو کوئی حرج نہیں تھا، دس واز ورتھ ڈوئنگ اٹ۔ لیکن بہرحال گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو فوری طور پر کمپلیٹ کر کے اور اس کو وہاں پہ شادیانیاں بجائے گئے اور خوشی کا بہت اظہار کیا گیا۔ میں بالکل ان ٹچ ہوں کچھ کشمیریوں سے اور ان کو بڑی تکلیف میں میں نے دیکھا، اور ان لوگوں کو اس ایک بڑے کرب میں سے گزرے کہ ہم اتنی تکلیف میں ہیں، اور اس وقت جو کہ ہمارا پاکستان ہمارا وکیل بھی ہے، ہمارا سپورٹر بھی ہے، ہمارا بیس۔ کیا یہ امیج نہیں گیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ پاکستان جو ہے وہ مائنورٹیز کو بھی سپورٹ کرتی ہے؟ میں یہاں پر سوال ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کی جانب لے کر آؤں گی۔ ہم نے جو ابھی کوسچن کیا کہ یہ جو راہداری کرتارپور راہداری کھولی گئی ہے اس میں جو دنیا بھر میں پاکستان کا ایک پازیٹو امیج جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کہا کہ جو امن پسندانہ پالیسی ہے اس پر ہم نے ایک قدم بڑھا دیا ہے، اور دنیا پر کہا گیا کہ باور بھی کرا دیا گیا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ سیاسی تنازعات پولیٹیکل ڈفرینسز سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر جو ہم نے خطاب میں دیکھا وزیر اعظم کو بات کرتے ہوئے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انصاف سے امن اور نا انصافی سے انتشار پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پھیلا کر ووٹ لینے والا نہیں انسانوں کو اکٹھا کرنے والا لیڈر ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے سے سب کانٹیننٹ میں برے صغیر جو ہے اس میں خوشحالی آئے گی۔ تو اب یہ کیا دیکھا جائے یہاں پر، ایک طرف پاکستان نے دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے اور پھر دوسری طرف بھارت بابری مسجد کیس کا فیصلہ بھی اسی دن سناتے ہوئے مسجد کی جگہ مندر بنانے کا فیصلہ دیتا ہے، اور مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے ایک آلٹرنیٹ لینڈ جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیا فرمائیے گا؟ شکریہ نیلم۔ پہلی چیز تو یہ کہ میرے خیال میں جو کرتارپور کا جو ایونٹ ہوا اور شارٹ ٹائم میں کمپلیٹ کر کے اس کو ٹائم کے اوپر کیا گیا، اچھا اقدام ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ محبت کا رواداری کا بھی میسج ہے، مگر پاکستان کی طرف سے اچھی سیاست بھی ہے کہ اس سیاست اس وجہ سے کہ وہاں پہ ایک جو سکھ کمیونٹی کی وجہ سے جو تحریک بھی چلتی ہے اس حوالے سے بھی اس کو آپ دیکھیں کہ سکھ کمیونٹی پورے دنیا کے اندر جہاں بھی رہتی ہے
वो इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। मैं आपको बताऊं, मगर करतारपुर का जो गुरु नानक के जो फॉलोअर है वो सिंधी कम्युनिटी भी बहुत है, मगर खुदा भी कहता है आप अच्छे काम करें, आप दूसरों को जो है अच्छे काम आपको देख के करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कम से कम आपको उसका उजरा जरूर मिलेगा। अब बात यह है कि आज अगर करतारपुर का इवेंट हुआ तो आज आप दो चीजों को क्रिटिसाइज भी कर रही है जो हमारी बनती भी है। एक, सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीशन दे और वो भी डिसीशन इसी तारीख को दे, इस करतारपुर के इवेंट को डाइल्यूट और डाइवर्ट करने के लिए जो ये डेट सिलेक्ट की गई, तो वहां पे उनकी नियत आपके सामने है। दूसरी तरफ ये मैसेज करतारपुर के बॉर्डर के ऊपर, इंडिया के बॉर्डर के ऊपर खड़े होके देना कि आप कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये जुल्म कर रहे हो, मगर हम माइनॉरिटी के साथ ये अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं कि वहां पे लोग आए। और खान साहब ने एक अच्छी बात की कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुसलमान अगर मदीना जाना चाहे वो दूरबीनी से देखे, और इसी तरीके से दूरबीनी से ये लोग देखते थे और नहीं आ सकते थे, तो अच्छा इकदाम हुआ है। अच्छे इकदाम को जो है वो आप बुरी चीजों से जो है वो रिलेट नहीं करें। हाँ, ये है कि भारत को अब सोचना चाहिए कि हमें एक हाथ अगर पाकिस्तान बढ़ाता है और एक हाथ हमें बढ़ाना चाहिए, मगर हमेशा भारत के अंदर जब भी ये जब मेरी यहाँ पर नवेद चौधरी साहब, क्या आपके ख्याल में जो ऑपोजिशन करतारपुर प्रोजेक्ट और कश्मीर इशू को मिक्सअप कर रही है, क्या ये होना चाहिए? क्या इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड मुद्दत में एक साल में जो करतारपुर प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल करके सिख कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है, तो क्या पाकिस्तान की जानिब से इसे अहम पेशरफ नहीं समझना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, इसलिए इसका क्रेडिट असल में तो जनरल बाजवा साहब ने को मिला, क्योंकि उन्होंने ही वादा किया था और फौज ने इसमें अपना FWO का जो रोल अदा किया वो अपनी जगह पे है। मैं समझता हूँ दोनों को अलग-अलग पैराए में देखा जाए तो बेहतर है, दोनों को इकट्ठा नहीं देखा जा सकता। इसकी अहमियत अपनी जगह पे एक अहम है और इसकी अहमियत करतारपुर की एक जो मुसलमान की हकीकत है वो अलग है, और कश्मीर इशू एक अलग चीज़ है। ये क्योंकि इंडियन चैनल्स और इंडिया मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था, वो समझते थे कि ये करतारपुर वाला जो कॉरिडोर आप खोल के तो आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं और ब्राइब कर रहे हैं सिख कम्युनिटी को खालिस्तान इशू के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि मोदी ने इस पे जो रोल अदा किया वो आपके आपको सामने नज़र आ रहा है कि वो एंटी पाकिस्तान जो रोल है वो हमेशा रहेगा और उसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही। और जो इशू हाइप किया गया सिद्धू वाले इशू पे और दूसरे इशू पे, वो भी अपनी तरफ पे एक अहमियत रखते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि कश्मीर को इस इशू के साथ आपने देखा कि बहुत बैक सीट पे ले गए हैं, और खासकर हुकूमत इस पे जो बगले बजा रही है वो गलत है। करतारपुर का ओपन करना एक अपनी जगह पे ठीक है, एक आपने फैसिलिटेट किया, आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, बट जिस तरह से सेलिब्रेशन की जा रही है यहाँ, आई डोंट थिंक सो कि ये सेलिब्रेशन की जरूरत थी या सेलिब्रेशन की को इस अंदाज पे दिखाना चाहिए था। वो सिर्फ तो इसे किसी अकम्पलिशमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, एक जानिब हम देखते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर जो प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर है, वो खोला जाता है, वो सिख कम्युनिटी को जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो दूसरी जानिब इंडिया में जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसकी जानिब से बाबरी मॉस्क की जगह मंदिर बनाने का फैसला सामने आता है, तो इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? ये किस किस्म का फैसला जो है दिया गया है कंसिडरिंग द माइनॉरिटीज राइट्स एंड ट्रीटमेंट इन इंडिया? नीलम, मैं यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ को थोड़ा वाज़े कर दूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एक्शन हुआ है ये होना चाहिए था, पहले तो ये बात है, और इसलिए भी होना चाहिए था कि कश्मीरियों ने सरदार साहबान जो हैं, जो सिख भाई हैं, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, कश्मीर कॉज को भी सपोर्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल मायूस करना मकसूद नहीं है, और हम चाहते हैं कि उनको, लेकिन मैं ये भी यकीन करता हूँ कि अगर उनको ये बता दिया जाता कि चूँकि कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी भाई अभी तक कर्फ्यू में अपने अपने घरों में महसूर हैं, और इस वजह से इस चीज़ को सेलिब्रेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं यकीनन कहता हूं कि वो सरदार आपके साथ कोऑपरेट करते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे उसकी अफादियत से इनकार नहीं है, एक तो ये बात।
दूसरी बात देखिए, मैं बार बार ये सुन रहा हूँ कि इंटरनेशनल जो बरादरी है, दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने इसको बड़ा अच्छे नज़र से देखा होगा। मैं समझता हूँ कि ये तो कमज़ोर आदमी वाली बात मैं अब महसूस करता हूँ कि ठीक है, हम इतने महव हो गए हैं इंटरनेशनल जो मीडिया है या जो दूसरे ममालिक हैं वेस्ट में, उनको खुश करने के लिए, अपना सॉफ्ट इमेज देने के लिए, कि हम ये भी ख्याल नहीं करते कि ऐसा सॉफ्ट इमेज जैसे हमारे अपने शहरी, हमारे अपने कश्मीरी भाई ये महसूस करें कि उनके जख्मों पे नमक छिड़का गया है, तो क्या उसको हमने उस वक्त करना है कि नहीं करना? ये तमीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक ताल्लुक हुकूमत से, ऑलराइट, यहाँ पर डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अभी आपने दोनों जो अपोजिशन में पार्टीज हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी रिजर्वेशन सुनी है, ये इंप्रेशन क्यों जा रहा है कि शायद हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को खुश करने में या कश्मीर इशू जो है वो बैकफुट पर चला गया, करतारपुर प्रोजेक्ट को इतना हाईलाइट कर दिया गया, ये इस किस्म का इंप्रेशन क्यों अपोजिशन जो है उसमें ये बिल्डअप है? देखिये, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिख कम्युनिटी बहुत थोड़े अंदाज में, मतलब आप समझें कि 16,000 सिख कम्युनिटी रहती है, मगर उनके राइट्स को जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के अंदर सिख कम्युनिटी को रखा जाता है, कि वो ये समझा जाता है कि सिख कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जहां पे भी रहती है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। आपने देखा कि अभी जितने भी एहतजाज हुए वहां पे भी सिख कम्युनिटी आगे रही है। यही वजह है कि करतारपुर की ओपनिंग जो है वो भारत के लिए मुश्किल था, पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं था। और इवन जो सियासत हमारी तरफ से हुई, हमने कहा कि हमने एक तो हम चाहते थे कि रिलीजियस एक्टिविटी, ये रिलीजियस टूरिज्म बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ भारत ने ये समझा कि ये हमारे लिए खालिस्तान तहरीक जो है वो उस वजह से इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी इवेंट हुआ है ये अच्छा हुआ है, और सोशली, मोरली और सियासी तीनों जगह पे अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की जीत है, इसमें पाकिस्तान को इसमें नुकसान नहीं है। रही बात जो बात की जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी को खुश करने के लिए और कश्मीर को डाइल्यूट करने के लिए, ये बात गलत है। देखिए, कश्मीर का इशू आज से नहीं है, 72 सालों से चल रहा है, और 72 सालों से जो स्ट्रगल है वो हमेशा कश्मीरियों की स्ट्रगल रही है जो इसको जिंदा रख के बैठी है और जो इसको इस टाइम जो अच्छे तरीके से चला रही है, मगर हमारी तरफ से जो जिस लेवल पे इसको होना चाहिए था, मैं समझता हूँ हमें और अच्छे तरीके से करना चाहिए। इस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने चाहे स्पीच की या चाहे जिस तरीके से कश्मीर का मौकफ पेश किया, अच्छे तरीके से उसने हाईलाइट किया, और माजी में भी ऐसे हाईलाइट हुआ है, मगर अब अगर इसको और अच्छे तरीके से करना है तो उसको ज्वाइंटली आगे मूव होना चाहिए। नीलम, मुझे एक एक, एक यहाँ जरूरी बात कहने दीजिए। ऑलराइट, फेयर इनफ। नीलम, मैं नीलम, मगर मुझे इजाजत हो आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा तो हम आगे की जाने मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक पर। जी, एक एक कमेंट अगर इजाजत हो, एक कमेंट दूंगा। देखिए, जब जब घर में सोग हो तो शादियां पोस्टपोन कर दी जाती हैं, इससे कतई नजर, ये बात ऐसे नहीं है कि शादियों की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये आपने देखा हमारे कल्चर में भी ये बात है, इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थिंग कि जब कोई हादसा हो तो जो खुशियों वाली बात है उसको आगे पीछे कर दिया जाता है। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि रमेश भाई ने बिल्कुल वो बात, मेरा ख्याल है, बात को समझ भी गए हैं और उन्होंने इसकी तायद भी की है कि कश्मीर के ऊपर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक तो ये बात है, और अगर उसको बैकफुट किया है तो मैं समझता हूँ कि अगर उसको छोड़ के आप किसी और को इतनी इंपॉर्टेंट बात को देंगे तो जाहिर है कश्मीरी जो बैठे जो कि सख्त तकलीफ में है, आप ये मत ख्याल करिए कि ऐसा 72 साल से हो रहा है, जो आज कश्मीरियों के साथ हो रहा है वो कभी पहले नहीं हुआ। आज कश्मीरी अपने घर में महसूर है, आज कश्मीरियों के घर में जो डेथ हो रही हैं, जो लोग फौत हो रहे हैं, उनको उनके अपने सहन में दफनाया जा रहा है। आप देखिए हालात, देखिए कैसे हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए उसको, दुनिया को उसको रिमाइंड कराना चाहिए। यूएनजीए 74 में हाईलाइट किया गया वजीर आजम की जानिब से, पूरी दुनिया के सामने कश्मीर के इशू को रखा गया और अभी भी सपोर्ट तो है, लेकिन इन द मीन टाइम जो करतारपुर प्रोजेक्ट है, आई थिंक ये जो माइनॉरिटीज का सपोर्ट सिस्टम है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, हमारा मजहब भी कहता है, इसमें किसी किस्म का जो डिले था वो
अभी तक समझ से बाहर था, लेकिन अब अगर ये कदम उठाया गया है हुकूमत की जानिब से तो इसे सराहना चाहिए। बहरहाल मूविंग ऑन, यहाँ पर हम शाहीन खालिद भट्ट साहब आपसे ही शुरुआत करेंगे। आज पूरा दिन नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने का मामला जो है वो हमारे सामने रहा, और नवाज शरीफ साहब को जो बाहर के मुल्क जाना था आज उनकी कैंसिलेशन भी हो जाती है जो उनकी प्लानिंग थी, तो आखिर ये बाहर भेजने की जिम्मेदारी कोई इदारा उठाता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? नैब ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि आप खुद फैसला कर सकते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री नैब को नैब के ऊपर डाल रही है, नैब इंटीरियर मिनिस्ट्री पर डाल रही है, फिर फेडरल हुकूमत भी जो है वो भी कहीं नजर नहीं आ रही, तो आखिर ये ECL से नाम निकालने की जिम्मेदारी इदारों पर क्यों डाली जा रही है इस वक्त? मैं नीलम समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की कैबिनेट के जितने वज़रा हैं सख्त कन्फ्यूजन में है, दे नॉट ऑन द सेम पेज ऑल ऑफ देम टुगेदर। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों तकरीर में ये बात कही कि लीडर वो होता है जो अपने लोगों को साथ लेके चले, जो तफरीक ना करे अपने 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 अवाम में और लोगों में। तो आप देखिए यहाँ एक क्लियर कट की बात कहने को तो आपने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कह दी, तो घर में आपने ज़बरदस्त तफरीक रखी हुई है, घर के अंदर आप जुल्म कर रहे हैं, और जबकि ये कहते हैं कि रहम की और मदीना की मिसाल देते हैं, सिटी ऑफ मदीना, मदीना तो एक शहर था जहाँ पर कंपैशन थी, जहाँ पर ज़बरदस्त एक एक रहम की तरवीज़ हुआ करती थी। आप मदीना का नाम मिसयूज़ कर रहे हैं, मदीना का नाम इस रेफरेंस से है कि वहाँ रहम और वहाँ पे कंसीडर किया जाता था ह्यूमन राइट्स को। आप देखिए कि जहाँ तक मियाँ साहब की लालत का ताल्लुक है, किसी को कोई शक नहीं कि वो सख्त अलील है, और उनकी जो बीमारी है वो दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है, इसलिए कि उनको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई हैव रेड दिस कि स्टेरॉइड देने से उनकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है उसी वक्त, और उसको नीचे लाना बड़ा मुश्किल है, और उसके साथ साथ ही इज़ एन ओल्ड हार्ट पेशेंट और उनके हार्ट को भी डिफेक्ट होता है। खुदा न खास्ता, जबकि उनको ये फियर भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी कि अगर उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर जरूरत है तो उनको जाने दिया जाए, तो अब ये डिले क्यों आ रहा है? मैं पहले नवेद चौधरी साहब का पर्सपेक्टिव ले लूं, फिर हम हुकूमत से जवाब लेंगे। यहाँ पर नवेद चौधरी साहब, आज जो पूरा दिन हमारे सामने जो है ये मामलात होते रहे कि नैब ने नवाज शरीफ का नाम निकालने की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट को दे दी, और नैब ने खत में लिखा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री खुद नवाज शरीफ के मामले का जायजा ले, और मुख्तलिफ केसेस में जो फेडरल हुकूमत है वो पहले भी सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल कर चुकी है, तो अब क्या नजर आ रहा है यहां पर? क्यों कोई इदारा नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी लेने को तैयार नजर नहीं आ रहा? माजरत के साथ, PTI गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कर रही है सेहत के इशू के ऊपर। आपने देखा जब तक वो सर्विसेज हॉस्पिटल में थे तो हर रोज ऐसे लगता था कि सबको बहुत फिक्र है और फिक्र लाहक हो गई है। इमरान खान साहब कंपैशनेट ग्राउंड पे बहुत सी बातें कर रहे थे, उस वक्त नजर आ रहा था कि इनको वाकई एहसास है, लेकिन जिस दिन से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वो अपने गए हैं घर की तरफ, तो उस दिन से इनका एक रवैया चेंज हो गया। असल में गवर्नमेंट जो है ना वो इतनी कमज़ोर है कि वो किसी न किसी सूरत में इस पोजिशन में नहीं है कि वो इस दबाव को संभाल सके। वो ये दबाव समझती है कि जब अगर वो बाहर चले जाते हैं तो फिर ये दबाव इन पर आ जाएगा। पहले नैब ने कोशिश की कि लॉ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाए, फिर इन्होंने अब हेल्थ में, हालांकि ये सीधा सीधा इशू है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फैसला दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी होती है। आपको याद होगा जनरल परवेज मुशर्रफ वाले इशू पे कि वो किसी को ECL में डालते हैं या नहीं डालते, ना इस पर कोर्ट इन्वॉल्व होती है, ना नैब कोर्ट, ना कोई नैब का अदारा, ये सिर्फ प्रोगेटिव है गवर्नमेंट का। लेकिन आज अभी फवाद चौधरी का जो अभी आपने सुनाया कि जी वो मैं इससे मर जाना बेहतर समझता हूँ, ऐसी बातें करके ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं। किसी की सेहत के ऊपर पॉलिटिक्स करने का मतलब ये है कि इनकी अपनी सियासत कमजोर हो चुकी है। इस मामले पर क्या सियासत हो रही है या नहीं, यहाँ पर डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अब ये जो नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला है वो एक बार फिर नैब ने वजारत दाखिला को भेज दिया, वजारत दाखिला ने अब ये मामला फेडरल कैबिनेट को भिजवा दिया है, और अब ये मामला जो है जो फेडरल कैबिनेट की सब कमेटी होगी वो उसके सुपुर्द कर दिया गया है। कल सेशन होने जा रहा है और उसमें जो है नवाज शरीफ और जो नैब के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया गया। देखिए पहले तो ये कि प्रोसीजर ये होता है कि कोई भी जो अंडर लिटिगेशन होता है या कोई भी अदर जेल में होता है उसकी जमानत हो जाती है कोर्ट से, उसके बाद आती है ECL की बात, या तो कोर्ट फैसला कर देती है या एग्जीक्यूटिव फैसला करते हैं
मगर यहाँ पे ये जरूर ग्राउंड देखा जाता है कि नाम जो है किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर पड़ा। अगर नाम नैब की रिकमेंडेशन के ऊपर पड़ा तो नैब को ऑन बोर्ड वहां पे आना पड़ेगा और नैब की रिकमेंडेशन वहां पे भी चाहिए होगी कि आपको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आज ECL के लिए अगर एप्लीकेशन इंटीरियर डिपार्टमेंट को आई तो इंटीरियर डिपार्टमेंट की जो सब कमेटी होती है वो नैब से भी पूछती है, नैब अपने ग्राउंड बनाती है कि आया मजबूत है या नहीं है। मगर मैं तो ये समझता हूँ कि मियां साहब की जो तबीयत है वो काफी सीरियस है और यहाँ पे जो है एक दिन भी डिले करना, चाहे एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल हो, चाहे सब कमेटी पास हो, चाहे नैब करे, जो भी करे, मगर फौरन उनको इस चीज का रिलीफ मिलना चाहिए। इस इशू को जो है ना अब लेंगर ऑन करना लेकिन मियां साहब की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन सेनेटर साहब यहाँ पर मसला क्या है? क्या नैब इसलिए जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि कल उनसे ही जवाब तलब किया जाएगा कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत क्यों दी थी उन्होंने? देखिए नीलम, ये पहले भी मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट देयर अबाउट 40 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया और फौरी तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से लोगों को निकाला। पूरी लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट तो नहीं है बट मैंने पढ़ा कहीं कि 40 केसेस ऐसे हैं यहाँ पे, जबकि अशद जरूरत है और हर वजीर सवाए फवाद साहब के, उनकी आज लैंग्वेज चेंज थी, हर वजीर हर गवर्नर ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनको फौरी तौर पे जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ये कंपैशनल ग्राउंड के ऊपर हम उनको भेज रहे हैं। ये क्या जनरल चेंज ऑफ माइंड? प्रॉब्ली पता नहीं कोई यू टर्न लेने का सोच रहे हैं कुछ। ये प्योरली प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट दिस मोमेंट। ही शुड टेक अ डिसीजन इफ ही थिंक्स इट राइट। जबकि वो कहते भी हैं, पूरी दुनिया को कहते हैं, कंपैशनेट के बारे में बताते हैं, रहम के बारे में बताते हैं, मैं बार बार बात करता हूँ, और ये बताते हैं कि लीडर वो है जो सबको इकट्ठा लेके चले। कैसे इकट्ठा लेके चलेंगे ये? इस तरह कैसे इकट्ठा लेके चलेंगे जबकि मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी ऑलरेडी है? आप देखिए हर डिपार्टमेंट जो है ऑन स्ट्राइक है, हर डिपार्टमेंट, डॉक्टर से लेके अब जो नबीना हजरात हैं, वो माजूर हजरात हैं, हर लोग सड़कों पर हैं। इतनी कन्फ्यूजन के टाइम पे दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि अपनी पूरी पॉपुलेशन को सबको साथ लेके। ये भी हम पूछेंगे हुकूमत से, लेकिन नवीद चौधरी साहब, अब यहाँ पर सवाल एक ये भी उठाया जा रहा है कि ये कैसे मालूम किया जाएगा कि 8 हफ्ते बाद नवाज शरीफ साहब वापस वतन आ जाएंगे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब भी इलाज के गर्ज से गए थे लेकिन आज तक उनकी वापसी देखने में नहीं आई है। तो ये इसमें क्या कोई रोड मैप दिया जाएगा कि 8 हफ्तों बाद क्या होगा, वापसी की कोई एश्योरेंस ली जाएगी या डिपेंडिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड्स जो है फैसले होंगे उस वक्त? आपको याद होगा जब एजाज शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनकी बेल के वक्त, उन्होंने कहा था कि ECL पे तो नाम नहीं है नवाज शरीफ साहब का। आज मुझे नहीं समझ आ रही कि ECL पे दोबारा नाम क्यों डाला गया, किस लिए डाला गया। मैंने जैसे पहले कहा ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं है, इन्होंने आज नहीं तो कल उनको भेजना ही जाना ही जाना है। लेकिन क्योंकि र्यूमर्स मांगनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, अफवाहें बहुत फैल गई थी कि वो डील हो रही है, ये उस तासर को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये तासर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये तासर इसलिए पैदा हो गया क्योंकि अपने कुछ एंकर्स हजरात ये बात की और फिर कोर्ट में जैसे डिस्कशन हुई और कोर्ट में जब से कंट्रैप्ट लगी हुई है फरदौस आशिक कमान और उसके ऊपर क्या नाम है उनका जो ये है अपना टैक्सलेस मिनिस्टर जो है उनके ऊपर, तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि हवास बाख्ता हुकूमत है। ये छोटा मैटर है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने जब वो जजमेंट दी थी परवेज मुशर्रफ अली और उसमें कहा था कि ये इशू कभी कोर्ट में आना नहीं चाहिए कि इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट इज़ अ प्रोगेटिव ऑफ देम। अब जहाँ तक उनके वापस आने का तल्लुक है, जब उन्होंने बॉन्ड दिए हुए हैं, जब उन्होंने अपना पूरी एक बेल उनकी पड़ी हुई है, वो तो प्रोसीजर ही कोर्ट का है, वो इनका कोर्ट ना, इनका डिसीजन है ना हुकूमत को देखने की जरूरत है। कि अगर खुद फैसले होने चाहिए 8 हफ्ते बाद। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रमेश कुमार साहब, हम जो देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर आपके जो हुकूमती वुजरा हैं उनमें भी डिवाइड नजर आ रही है, उनकी जानिब से भी मुतजाद बयान आ रहे हैं। एक तरफ फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनका नाम ECL से ना निकाला जाए, दूसरी जानिब चौधरी सरवर जो है वो कहते हैं कि इस मामले पर सियासत ना की जाए, नवाज शरीफ का नाम आज ही ECL से निकाल दिया जाएगा। फैसल वाडा है तो उनका कहना है कि इमरान खान सिस्टम को बदलने आए हैं, पहले इस निजाम के खिलाफ लड़ाई की थी अब जंग करेंगे। तो ये मतजाद बयानात आपके अपने वुजरा की जानिब से आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट है उसमें तमाम वजीर इस मामले पर रजामंद नजर नहीं आ रहे कि नाम निकाला जाए ECL से।
देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे तो स्टेटमेंट एक बंदे की बनती है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की, और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने दो तीन दिन पहले तो ये कहा था कि ईसीएल में नाम नहीं है, अभी भी उनको ही क्लियरिफिकेशन करनी चाहिए। और इस इश्यू के ऊपर जो कंडीशन है मियां साहब की, और उस हिसाब से मेरा जो मौकफ होगा, जैसे आप वहां पे कह रही हैं कि कैबिनेट के कुछ लोग डिवाइडेड है, मेरा तो मौकफ कल शाम कुरैशी ने भी कहा कि ये जाना चाहिए, मेरा तो मौकफ ये है कि आज नाइट में भी अगर परमिशन मिल जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि उनकी तबीयत काफी सीरियस है और ये गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है और एज ए गुड ह्यूमन बींग शो करने के लिए भी बेहतर है कि उनका इलाज जो है, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है उस कंडीशन में 5 स्टंट में से 3 स्टंट बंद हो चुके हैं, 90% कैरोटिड बंद है, 25-30 हजार तक उसके प्लेटलेट्स हैं, किडनीज का जो फंक्शन है वो भी पार्शली है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि रोकना वो भी अच्छी बात नहीं है। रही बात आने की, तो ये मियां साहब की सियासत जो है वो लाजमी है, यहाँ पे है, और ऐसे नहीं होगा कि वो नहीं आए, अगर नहीं आए तो उनकी फिर सियासत क्या रहेगी। लेकिन यहाँ पर फिर जो एक और, लेकिन जो यहाँ पर डॉक्टर रमेश कुमार साहब, एक और जो सवाल उठाया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से हटा दिया जाता है और उन्हें जाने की इजाजत दे दी जाती है, तो फिर जो हम इमरान खान साहब के बयानात सुनते रहे थे और अभी कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि जब तक मैं जिंदा हूं एनआरओ नहीं दूंगा, तो ये हुकूमत फिर इस एनआरओ देने के इमेज या परसेप्शन जो भी है उससे कैसे बाहर आ सकेगी, उससे कैसे अपने आप को अलहदा कर सकेगी। देखिए एनआरओ नहीं कोई ले रहा है, नहीं कोई एनआरओ दे रहा है, और अगर परसेप्शन के ऊपर प्रिंसिपल को अगर हम चलाएंगे, प्रिंसिपल्स होते हैं, परसेप्शन, आप कह रहे हैं कि ना ही कोई ले रहा है ना ही कोई दे रहा है, तो हमें वजीर आजम तो कई बार कहते हुए नजर आए हैं, स्टेटमेंट देते हुए नजर आए हैं कि जो एनआरओ मांग रहे हैं उनको एनआरओ नहीं मिलेगा, फिर वजीर आजम क्यों बार बार कह रहे हैं कि एनआरओ मांगने वालों को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। मेरी नजर में तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कोई एनआरओ ले रहा है या एनआरओ दे रहा है, मैं तो ये समझता हूँ कि नहीं कोई एनआरओ ले रहा है, नहीं कोई एनआरओ दे रहा है, नहीं ये मौसम है एनआरओ की, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी सियासत कर रही है, मगर मैं तो आज उस वक्त को चाहता हूँ कि जो कश्मीर का इशू, जिसको आपने अपने पहले सेगमेंट में जो बात की, आज वक्त है कि अपना मौकफ इंटरनेशनल आगे बढ़ाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने डिफरेंसेस बुला के आगे बढ़े, और कश्मीर की 72 साल स्ट्रगल के लिए जो नरेंद्र मोदी ने जो मौका दिया है उसको आप हाथ से जाने दे रहे हैं, उन चीजों को हमें फोकस करना चाहिए। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ मीडिया के ऊपर यही चीज चल रही है कि भाई ईसीएल में है नहीं है, ये इशू नहीं है इतना कि 3 दिन से हम मीडिया के ऊपर इतना डिस्कस करते हैं। तीन दिन से नहीं चला, ये आज चला है, पिछले 2 दिन से करतारपुर जो है राहदारी का जो इनॉग्रेशन है वो कवर किया गया। लेकिन यहाँ पर शाहीन खालिद भट्ट साहब, अभी आपने सुना कि पहले हुकूमती वजीर है जो कह रहे हैं कि ना ही कोई एनआरओ ले रहा है और ना ही कोई दे रहा है, ये फर्स्ट टाइम हमने स्टेटमेंट सुनी है कि एनआरओ नहीं मांगा जा रहा आपकी जानिब से, तो इसी बात को अगर मैं आगे लेकर चलूं, और मरियम औरंगजेब है उनका जो कहना है कि नवाज शरीफ की फॉरेन कंट्री जो रवानगी है उसके लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम भी कर लिया गया है जो कि वेंसडे को बुध के रोज यहां पहुंच जाएगी, लेकिन नवाज शरीफ को और फिर उनको जो मेडिकल कंडीशन उनकी एक होनी चाहिए स्टेबल, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए उनको जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं उसकी भी हाई डोजेस जो है वो ऑलरेडी उनको दी जा चुकी है, तो बार बार इस तरह से अप एंड डाउन अगर होता है तो आपके ख्याल में क्या बुध तक मामलात जो है वो कहीं सेट होते नजर आएंगे, कल की जो ये सब कमेटी है इसका जो सेशन है इसमें कोई आपको बीच की राह निकलती नजर आ रही है? देखिए नीलम, पहली तो बात ये है कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि रमेश भाई जो हैं ये काफ़ी हद तक इंसाफ की बात करते हैं, और जाहिर है कि जब उन्होंने बात खुद ही कर दी कि ना कोई एनआरओ ले रहा है ना दे रहा है तो उस पर बहस जो है वो बेकार है, एक तो ये बात, और ये बात सिर्फ ये नहीं करते, हुकूमती बहुत सारे वजीर जो हैं उन्होंने कहा भी ये, बल्कि मेरा ख्याल है कि फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात वाज़ह तौर पे कही। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे एक बात मैं बड़ी वाज़ह करना चाहता हूँ कि वी आर ऑलरेडी एटलीस्ट 2 वीक्स लेट, मियां नवाज शरीफ शुड हैव बीन आउट ऑफ द कंट्री वेयर एवर ही वांट्स टू गो फॉर हिज ट्रीटमेंट 2 वीक्स बैक और मे बी इवन बिफोर। अब ये जो डिले हमें हमारे साथ किया जा रहा है, और जो फुटबॉल की तरह कभी किसी कोर्ट में बाल फेंक दिया जाता है कभी किसी कोर्ट में, मैं यहाँ पर वाज़ह तौर पर बात कहना चाहता हूँ कि स्टीरॉयड की जो उनको मेडिसिन दी जा रही है, जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उनके नेगेटिव इफेक्ट हैं उनकी डायबिटीज़ पे और उनकी हार्ट कंडीशन के ऊपर,
اور خدا نخواستہ ان کی ایلمنٹ کسی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں پہ ٹریٹمنٹ کرنا مشکل ہوا باہر بھی، یا کوئی حادثہ ہوا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہمیں بجا ہم نہیں ہوں گے کہ گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے پرائم منسٹر صاحب کو ہم واضح طور پہ اس کا مجرم ٹھہرائیں اس بات کا، کیوں اس بات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے جبکہ ان کے اپنے میڈیکل بورڈ نے کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ ہی نیڈ سیریس اٹینشن امیجیٹلی اینڈ شوڈ بی ٹیکن اوے آؤٹ آف دا کنٹری، اور ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اب اپنے ملک کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس بات کے اوپر، اس بات کا فواد صاحب جو ہیں، اس بات کو فواد صاحب یہ جو کریں، نوید چودھری صاحب، آلرائٹ، نوید چودھری صاحب، آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ لوگ وہ کسی قسم کی بیل لینے کو تیار نہیں ہے، نہ ان پر ابھی تک کوئی کنوکشن ہوئی ہے، زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی بڑی سینسیٹیو اور کمپلیکیٹڈ اسٹیج پر جا رہی ہے، تو یہ آپ لوگوں کا کیا اسٹریٹجی ہوگی یا زرداری صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ نواز شریف صاحب کی تو میڈیکل گراؤنڈ پر شاید جہاں تک زرداری صاحب کی صحت کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی صحت بہت تشویشناک ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، مجھے یاد ہے جب میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ تھا تب سے یہ چیز لوگ آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہے ان کی ایج کے ساتھ ساتھ، اور اب وہ ورسٹ پوزیشن پہ ہے، لیکن وہ اس چیز پہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جس کا آج تک ریفرنس نہیں آ سکا، وہ سمجھتے ہیں بیل پہ جانے کا مجھے کیا فائدہ، میں بیل پہ جاؤں گا تو میں ایکسیپٹ کروں گا شاید میں کوئی ملزم، تو وہ ملزم تو نہیں ہے، اس لیے گورنمنٹ کو یا تو ان کے خلاف کوئی ریفرنس پیش کرنا تو کریں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنا کر سکیں، ہم انہیں کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور اپنا علاج کروائیں، لیکن گورنمنٹ کیونکہ پالیٹکس کر رہی ہے، اور آپ نے جو ابھی کہا کہ جیسے عمران خان صاحب ہر روز این آر او کو اور دوسری باتیں کر کے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور واہ واہ اور جی حضوری، جب سدھو ان کی تعریفیں کر رہا تھا ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا کہ وہ چہرے پہ کیا رونقیں آ رہی تھیں، وہ یہ کوئی پرسنل کام نہیں ہے، اب حکومتوں کے وزیر اعظم کے طور پہ جب کام کریں گے اس میں پرسنل پریز نہیں ہوتی، نہ پرسنل پریز دیکھی جاتی ہے، وہ قوموں کی پریز دیکھی جاتی ہے، وہ قوموں کے شعور کو دیکھا جاتا ہے، یہ قومیں کیا بینیفٹ اٹھائیں گی، بہت سے ایشوز اٹھ چکے ہیں اس کوریڈور کھلنے کے بعد، لیکن قوموں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اس لیے کہ یہ بہتر کاز کے لیے، لیکن یہاں پر اور ایک یہ سوال کے لیے جو سامنے آتا ہے بڑا پرومیننٹ ہو کر کہ آخر نواز شریف ہوں یا زرداری، آصف زرداری ہوں، ان کو ملک سے باہر ہی جا کر علاج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہم نے ملک سے باہر جانے کی کوئی بات نہیں کی، ان کی ہی حکومتوں کے انڈر رہا، یہ خود کیوں نہیں ایسے ہاسپٹل، میں پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ ہم نے حکومت ملک سے باہر جانے کی کوئی بات نہیں کی، اپنے ملک میں رہ کر ہی دستیاب ہو سکتی، ٹھیک زرداری صاحب نے نہیں کی، لیکن یہاں پر موونگ آن، ہم یہاں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب دھرنے کی جانب ہم کوئکلی آئیں گے، جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے حکومت کو جو دی گئی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے کے بعد وہ پلان بی کی جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ملک بھر میں شٹر ڈاؤن سٹرائک جو ہے وہ کریں گے، اور جو میجر روڈز ہیں، شاہراہیں ہیں، وہ بلاک کرنے کی آپشن بھی انڈر کنسیڈریشن ہے، تو اگر اس سلسلے میں جے یو آئی ایف جو ہے وہ آگے جاتی بھی نظر آتی ہے اور اپنے اس پلان پر، پلان بی پر عمل کرتی ہے، تو پھر حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا آپ کی جانب سے ریئیکشن ہوگا؟ نیلم دیکھیں، آج مولانا فضل الرحمان نے ایک دو ٹاک شوز میں یہ بات کی ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ ہم بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں، اور اب ہمیں واپس جانے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہم افراتفری پھیلائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور یہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، مگر احتجاج جو ایسے ڈیموکریٹک لوگ اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف کرتے ہیں تو کمزور ڈیموکریسی ہوتی ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ میں مسلسل یہ 20-25 سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، یہی ہمیشہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مارشل لا لگ گئی یا کمزوری آ گئی اور پاکستان سفر کرتا ہے، تو ہونا یہ نہیں چاہیے، مولانا صاحب سینئر سیاستدان ہے اور اس کو ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اچھا ہوا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں نے اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ کر لیا ہے مورلی تھوڑا بہت، لیکن اس سے پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ حکومتی کمیٹی اور جو چودھری برادران ہیں ان کے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور اب معاملہ جو ہے اسی لیے ہمیں ڈیڈ لاک تک آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر کیا یہی سمجھا جائے کہ حکومت اس معاملے میں جو ہے جو کرنا چاہیے تھا، جتنی سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی وہ شاید نہیں ہو پائی، اور اسی لیے مولانا جو ہے وہ کوئی دوسرا آپشن دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
देखिए हुकूमत से अगर वो कहेंगे कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए और रिजाइन दें, इतनी आपको ताकत है तो आपके पास सारी ये पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं, आप नो कॉन्फिडेंस मूव करें। अगर ये है तो वो कहते हैं कि नहीं हमने सेनेट में देख लिया, सेनेट में इस वजह से देख लिया कि विदाउट एनी रीजन जो है कोई नहीं चाहता था कि मैं लोग जो है वो मेंबर सपोर्ट कर रहे थे सादिक संजरानी को, और क्या ताकत हो सकती है। मगर जो मौलाना साहब ने बातें की उससे तो मुतफिक नहीं हूं मैं, मगर ये तरीकेकार हो कि आप एहतजाज करो और प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन लो, ये तो तरीकेकार ही गलत है। इस तरीकेकार के ऊपर जो है वो अब क्या बात करें। अब बाकी रही बात और कोई ग्रीवेंस, फिर ये गैर जमहूरी तरीकेकार शाहीन खालिद भट्ट साहब, तो बिल्कुल हाजिर है। ये नून लीग, आप खुद धरना सियासत के खिलाफ थे और अब जैसे कि मौलाना जो है वो दूसरी ऑप्शन पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, डेड लॉक, उनकी जो डेड लाइन थी वो खत्म हो गई है, तो फिर क्या नून लीग जो है वो इस प्लान बी पर मौलाना के साथ अमल करती नजर आएगी? देखिए जहां तक प्लान बी का ताल्लुक है, जब प्लान बी स्पेल आउट होगा तो डेफिनेटली हमारी पार्टी जो है वो अपनी मीटिंग करके उसके ऊपर डिसीजन देगी। तो अभी तो ये सारा अज्यूम ही किया जा रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट ने मौलाना को सीरियसली लिया ही नहीं है। दे हैव ट्राई, इन्होंने रिडिक्यूल किया है उनको, उनको वाकई दीवार के साथ लगाया है। और अगर कल परसों का उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमें दीवार के साथ लगा के आप क्या समझते हैं, हमारे पास चॉइसेस आप और कम करते जा रहे हैं। और ये वाकई बात दुरुस्त है, इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने फिर दीवार से इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने कमेटी बनाई और नवेद चौधरी साहब, राइट, क्विकली हमारे शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। नवेद चौधरी साहब, ये जो मौलाना कह रहे हैं कि क्या उनको यकीन है कि जो दूसरी ऑप्शन है उसका इस्तेमाल ज्यादा मुअसर साबित होगा और मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे देना, सड़कें ब्लॉक कर देना, क्या ये दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनका साथ देंगी? ये मौलाना साहब की अपनी नहीं है, रैबर कमेटी का ने फैसला किया हुआ है, और ये मौलाना साहब का नहीं खाली है, ये रैबर कमेटी का डिसीजन है और वो पाबंद है रैबर कमेटी के। और मैं समझता हूँ अगर हुकूमत का यही गैर संजीदा रवैया रहा तो उनके लिए फिर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो तमाम पार्टियाँ इकट्ठी उठाएंगी, क्योंकि हुकूमत अपने दिन उसके गिने जा चुके हैं। और वो जिस तरीके से हुकूमत कर रही है वो डिलेइंग टैक्टिक्स और नेगेटिव एटीट्यूड, और कभी मियां साहब की सेहत को शुभ बनाना, कभी किसी और को शुभ बनाना। साहब डॉक्टर रमेश कुमार साहब और शाहीन खालिद भट्ट साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, नाज़रीन अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकलता है और ये जो धरना है इसका हल कोई निकलता हुआ नजर आएगा बगैर सड़कें ब्लॉक किए और मुल्क में हड़ताल की कॉल दिए। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।